चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700-49-75। बरहड़िया के चर्चित विधायक श्याम बहादुर सिंह का जनसंपर्क लगातार तेज होते जा रहा है। इसी क्रम में बरहड़िया विधानसभा के पपौर में श्याम बहादुर सिंह को जहां रसगुल्लों से तोला गया, तो वहीं पकड़ी मोड़ पर उन्हें पणकिया से तोला गया। इस दौरान श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि उनकी जीत पक्की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा कवरेज। पकड़ी मोड़ पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की लड़ाई मान रहे हैं बरहड़िया विधानसभा में? आज जने जने तो लाइल बनी बहुत अच्छा बहू हो, लेकिन लड्डू बा तो उतना उमे रोस नहीं है। आज जो चीज हम तौलाइल बनी उमे इतना रोस बा जे बजा के ना खाइल जाए तो देह पर गिर जाई। एकर मतलब कि बहुत मान सम्मान प्यार मोहब्बत लोग प्राप्त बा, स्नेह बा, तो सब तरह की मिठाई से भेंट हुई। एक जगह मीठे से तौल नहीं, काले पिपरा बा कुछ लोग चाहते कि मछली से तौल दिया, हम वो हुई काल मछली से 40-45 को तौलाइल जाए या डेरा बजा के बन जाए। कल बरहड़िया में तेजिया कार्यक्रम था, भीड़ था, फिर भी लोगों का कहना था कि भीड़ है लेकिन मतदाता उतना नहीं बूथ पर जाएगा, इसको क्या मानते हैं कि भीड़ होने से क्या मतदाता तो जाता है क्या? भीड़ ऐसे ना रहे कि बिहार के बैकडोर गलत आदमी के हाथ में देवे को लोग तैयार नहीं थे। आ यहाँ का बने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, तो यहाँ का अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के जो अपन भाई वोट मांगे तो लोग तो बुझे कि भाई मुख्यमंत्री हो जाई हैं, तो बिहार के जो दुर्दशा बा दुर्दशा रह है फिर बिहार वह जाए तो मुख्यमंत्री के सभा में मुख्यमंत्री तेजस्वी जी साधारण आदमी नहीं कौन, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के दावादार बड़े आ मुख्यमंत्री के रूप में ही वोट मांगे आ रे, तो लोग बुझल कि ना गलत हो जाई फिर बिहार गड़बड़ा जाई। ऐसे में भीड़ रहे माल ना मिली, कुछ हमने में के लोग वही रहे देखे कि भाई का बोलत रहे, सच्चाई है बा कि हमारे लोग कुछ गई रहे देखे सुने के भाई का बोलत रही। निश्चित रूप हमें कौन सब भाषण केहू के सुने के चाहिए, लोग गई रहे वो बात में कोई दम नहीं के आए केहू के सभा हुई तो कुछ देखे सुने खातिर चल जाये। हम ही विरोधी का सभा हुई तो चाहे कि जंगल में हुए तो झाँक लेगी काली का बोलता रहे हमारे इनका कि जवाब क्या तर देवे पड़ी, ये क्या तर पटकता रहे हमारा क्या तर इनका के पटके के पड़ी। तो विरोधी के भाषण सुनल नेता खातिर बहुत उपयोगी बा। और बच्चा पांडे जी कहना है कि अगली बार आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में हरा कर रहेंगे, पटकनी दे कर रहेंगे, क्या कहेंगे? बरियारी पटकी है, वोट से पटकी है, देह से पटक सकेले। हमारा लंबाई चौड़ाई कम बा,
वोट से पटक दिस तब न इतना मालिक लो नौजवान साथी लो गार्जियन लोग आशीर्वाद प्राप्त बा तो देह से पटके भाई पटक दिए हैं आ देहो से पटकी हैं तो हमारा से लड़े के पहले उनको इतना लोग पटक दी कस गया कि भोभुन फूट जाए चिंता मत करी अब कि जेंगे लड़ी होंगे लड़े पहले तो नहीं पक्का पक्का अगर बिहार में नीतीश कुमार के सरकार नहीं बनत देश में मोदी जी नहीं रह तो इतना बड़ा दुर्भाग्य ये देश खातिर ये बिहार खातिर कबो ना हो लेकिन सवाल ही बा मोदी जी कह दे अमित शाह के बयान आ गई कि जदयू बिहार में कोगो सीट जीती अच्छा बीजेपी कोगो सीट जीती बीजेपी जदयू से अगर बेसी सीट जीतता तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होइए हमारा मोदी जी जो फैसला बा अमित शाह जी का फैसला बा तो में कन्फ्यूजन कहाँ बा कहाँ लोग खोजे थे कि मुख्यमंत्री के हुई आए वही में खोजो लो RJD में खोजो लो उमें मुख्यमंत्री के हुई उमें खोजो लो हमारा में तो ऑलरेडी सच्चाई अगर देखा जाए तो बिहार के इस सिवान के बड़हरिया में तो कोई लड़ाई ही नहीं यहाँ जो आए हैं विदेशी लोग आपने 1947 में विदेशियों को अपने देश से भगा दिया था तो क्या बड़हरिया की जनता फिर वही गलती करेगी जो बड़हरिया का बेटा नहीं है दूसरे क्षेत्र से आया है वो कैसे आके यहाँ लड़ाई देगा बड़हरिया में तो कोई लड़ाई ही नहीं है हम सीट इतने मैंने प्रत्येक चुनाव से अधिक वोटों से इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं रिकॉर्ड मतों से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं बिल्कुल आपने जो कहा कि तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ हो रही है मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी जी के सभा में जो भीड़ हो रही है उसका 80% जो भीड़ है वही भीड़ प्रत्येक जगह जाती है जहाँ जहाँ तेजस्वी जी की सभा हो रही है वहीं लोग कुछ लोग ऐसे हैं ट्रेंड कि उनको गाड़ियों पे लाद के ले जाया जाता है दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने लोग हैं जबकि आपने देखा होगा कि वहीं तेजस्वी यादव जिन युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे लेकिन कल जब युवा उनसे पूछ रहे थे आखिर किस आधार पर आप नौकरी देंगे तो वहीं भागे और युवाओं का हाथ खींच के उन्हें धक्का दे रहे थे तो जो व्यक्ति जो नेतृत्वकर्ता नेतृत्व करने के लिए बेचैन है युवाओं को धक्का दे रहा है वो कल युवाओं को मान सम्मान कहाँ से देगा तो आपने देखा है वही 80% जनता जो है जो भीड़ है वो जिले के प्रत्येक जगह पे जाता है वो वोटर कहीं और का है लेकिन उसमें उपस्थित हो रहा है।